क्षेत्रफल का मापन। इस वीडियो में क्षेत्रफल का मापन, क्षेत्रफल की उपयोगिता, मापन में भारत सरकार के माप तौल विभाग की भूमिका, अरे वाह आ गई दीदी, आज तो मुझे भी दीदी से एक जरूरी सवाल पूछना है। नमस्ते सबर दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? हम सब ठीक है दीदी। पता है दीदी, आज सवाली भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। अच्छा, लगता है सवालों का ये पिटारा अब कभी बंद नहीं होगा। पूछो सवाली, क्या पूछना है तुम्हें? दीदी, आपने जिन मानक मात्रकों के बारे में बताया था ना, उनसे अलग मैंने एक और मात्रक का नाम पता किया और मुझे उसी के बारे में पूछना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? दीदी, हम नया घर बना रहे हैं और उस पर अब सीमेंट की छत बननी है। कल मम्मी पापा मिस्त्री चाचा से पूछ रहे थे कि छत का एरिया कितने वर्ग मीटर का होगा और कितना सीमेंट लगेगा। तो दीदी, मुझे ये जानना है कि एरिया क्या होता है और ये वर्ग मीटर मात्रक किसका मात्रक है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने सवाली। लो, भोजन अवकाश खत्म होने की घंटी भी बज गई। चलो सब कक्षा में, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। ये एरिया शब्द तो मैंने भी बहुत बार सुना है, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। अरे हाँ, याद आया, हमने पिछली कक्षा में क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा कि ये क्या होता है। हाँ, मुझे भी याद नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, आज फिर से समझ लेते हैं। इस बार अच्छी तरह से समझना ताकि फिर से न भूलो। ठीक है दीदी। बच्चों, किसी वस्तु का पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है वो उस वस्तु का क्षेत्रफल यानी एरिया कहलाता है। कोई उदाहरण देकर बताइए ना दीदी। इस मेज को देखो, इसकी इस ऊपरी सतह ने जो जगह घेर रखी है यही इसका क्षेत्रफल है। यानी कि इस मेज की चारों भुजाओं के अंदर का जो भाग है वो क्षेत्रफल है ना दीदी? हाँ सवाली। क्षेत्रफल को मापते कैसे हैं दीदी? हो जी, क्षेत्रफल को मापने के लिए मानक मात्रक होता है वर्ग मीटर। यदि हमें आयताकार या वर्गाकार वस्तुओं का क्षेत्रफल पता करना हो तो हमें उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होती है और फिर कुछ गणितीय सूत्रों का प्रयोग करके हम आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र संपर्क दीदी? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वर्ग में सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। इनके अलावा भी किसी आकृति के क्षेत्रफल का कोई सूत्र है क्या दीदी? हाँ खोजी, वृत्ताकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
कुछ अन्य आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में तुम आगे आने वाली कक्षाओं में जानोगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने से क्या लाभ होता है दीदी? ये क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है कि दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। बच्चों, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी जगह में कोई काम करना है और उसके लिए कितना सामान या रुपयों की जरूरत है। वो कैसे दीदी? इस कमरे के फर्श को देखो और बताओ कि ये वर्गाकार है या आयताकार। इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है तो ये आयताकार है दीदी। बिल्कुल ठीक। अब यदि इस पूरे फर्श पर कोई मैट यानी चटाई बिछानी हो तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें कितनी बड़ी चटाई चाहिए, है ना? वो तो तभी पता चलेगा ना दीदी, जब हमें ये पता होगा कि इस फर्श ने कितनी जगह घेरी हुई है। बिल्कुल सही समझे खोजी। इस आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई को माप कर ही हम उस घेरी हुई जगह यानी क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं समझ गई दीदी कि फर्श का क्षेत्रफल माप कर हम उसी क्षेत्रफल की चटाई खरीद कर ला सकते हैं। हाँ सवाली, इसी तरह यदि हमें इस दीवार पर पेंट करना हो तो इसका क्षेत्रफल पता करके हम आवश्यकता अनुसार पेंट खरीदेंगे। यदि किसी खेत में बीज बोने हैं तो उसके क्षेत्रफल के अनुसार बीज खरीदेंगे। अच्छा, तो इसीलिए मिस्त्री चाचा मीटर फीते से छत की लंबाई और चौड़ाई माप रहे थे ताकि क्षेत्रफल पता कर सकें और मम्मी पापा को बता सकें कि कितनी बोरी सीमेंट लगेगा। हाँ बिल्कुल सही समझी तुम सवाली। एक और जरूरी बात बच्चों, छोटी सतहों के क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में मापते हैं लेकिन बड़े बड़े खेतों का क्षेत्रफल डिसमिल, एकड़, एयर या हेक्टेयर में मापा जाता है। पर वो क्यों दीदी? जैसे ज्यादा बड़ी लंबाइयों को मीटर की जगह किलोमीटर से मापते हैं वैसे ही ज्यादा बड़े क्षेत्र को इन मात्रकों से मापते हैं। जानते हो बच्चों, एक एयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है और एक डिसमिल 40 वर्ग मीटर के बराबर। एक हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर होते हैं दीदी? एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं सवाली। दीदी ये मापन तो बहुत ही कमाल है, अगर ये सही ना हो तो हमारे कितने सारे काम बिगड़ जाएंगे और हमें कितना सारा नुकसान हो जाएगा, है ना? हाँ खोजी, सही मापन की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। भारत का माप तौल विभाग भी इस बात को समझता है और ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में उपयोग होने वाले मीटर छड़, तुला, बाट आदि सब सही और मानकों के अनुरूप हों। खरीदारी करते समय हमें भी इन सब की जांच करके ही सामान खरीदना चाहिए। जांच? वो कैसे कर सकते हैं दीदी? बच्चों, एक सही मीटर छड़ के दोनों ओर एरो यानी तीर के चिन्ह बने होते हैं और मापतौल विभाग की मोहर भी लगी होती है। द्रव्यमान मापने वाली तुला और बाटों पर भी मोहर लगी होती है क्या संपर्क दीदी? हाँ सवाली, तुला दंड के केंद्रीय अक्ष यानी मध्य भाग के दोनों ओर मोहर लगी होती है। सही बाट के ऊपर उसका द्रव्यमान लिखा होता है
और उसकी तली में एक छिद्र होता है जिसमें थोड़ा सा सीसा भरा होता है, जिस पर माप तौल विभाग की मोहर लगी होती है। मतलब कि जिस बाट पर मोहर नहीं होगी वो सामान को सही नहीं तौलेगा। बिल्कुल सही खोजी। एक और बात पता है बच्चों, भारत के सभी दुकानदारों को माप तौल विभाग के मानकों और निर्देशों के अनुसार हर वर्ष अपने मापन उपकरणों को प्रमाणित करवाना होता है। इस तरह माप तौल विभाग सुनिश्चित करता है कि भारत में मापन की गुणवत्ता सही बनी रहे। समझे ना बच्चों? हाँ दीदी। तो बच्चों, ये थी मापन के बारे में कुछ मजेदार जानकारियाँ और हमारे जीवन में उनका महत्व। समझे ना तुम सब अच्छी तरह से? हाँ दीदी, मैं तो घर जाकर सबको बताऊंगी ताकि कभी भी हमें गलत मापन की वजह से कोई नुकसान ना हो। हम भी बताएंगे सब दीदी। बहुत अच्छे बच्चों, अब तुम सब कुछ अच्छी तरह से जान गए हो, तो कुछ सवाल पूछ लूँ ना? हाँ दीदी पूछिए। तो फिर बताओ कि क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु के पृष्ठ द्वारा किसी तल पर घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं दीदी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये बताओ कि क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर है दीदी। शाबाश बच्चों। अच्छा अब ये बताओ कि सही बाट की पहचान कैसे की जा सकती है? वही बाट सही होगा जिस पर माप तौल विभाग की मोहर लगी होगी दीदी। हाँ, और मोहर के साथ साथ उस बाट के ऊपर द्रव्यमान भी लिखा होना चाहिए। समझ गए ना? हाँ दीदी। तो फिर चलो अब संपर्क भैया से मिलो, मैं चलती हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।